शरद पवार बड़े लीडर हैं, उन्होंने अपना पक्ष रखा तो बात खत्म होनी चाहिए थी। लेकिन इंडिया अलायंस के धड़ों में अभी भी पवार को लेकर कई सवाल हैं। आशंका यह है कि क्या शरद पवार भतीजे की तरह पाला बदल लेंगे, क्या शरद पवार मोदी सरकार का हिस्सा बनने वाले हैं। यह सवाल बेवजह नहीं है। अजीत पवार खेमा लगातार शरद पवार पर बीजेपी से हाथ मिलाने के लिए प्रेशर डाल रहा है। इंडिया अलायंस की बैठक से ठीक पहले अजीत पवार और बागी विधायकों ने शरद पवार से 3 बार मुलाकात की है। अजीत पवार खेमे ने हर बार खुलकर कहा कि शरद पवार को बीजेपी के साथ आ जाना चाहिए। एक और वजह है जिसके चलते कहा जा रहा है कि शरद पवार खेमा बदल सकते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी हो या शरद पवार, दोनों ने एक दूसरे पर सीधा हमला करने से हमेशा बचते रहे। यही नहीं, राजनीतिक तौर से विरोधी होने के बाद भी दोनों खुलकर एक दूसरे की तारीफ करते रहे हैं। आपको प्रधानमंत्री मोदी और शरद पवार की कुछ पुराने बयान दिखाते हैं जिससे आपको दोनों के बीच की केमिस्ट्री का अंदाजा होगा। महीने में 2-3 बार मेरी और शरद राव की बात न हुई हो ऐसा कोई महीना नहीं गया होगा। किसान को मौसम का अंदाज जल्दी आ जाता है। शरद राव ने उस गुण का राजनीति में भरपूर उपयोग किया। राजनीति की हवा किस ओर चलेगी आपको जानना है तो शरद राव के साथ बैठिए। द प्राइम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री वर्क्स। यस्टरडे ही वाज इन जापान, दिस मॉर्निंग ही वाज इन गोवा, दिस आफ्टरनून ही वाज इन बेलगाम। भारत सरकार से परेशानियां सी परेशानियां होती रहती थी तो मैं फिर शरद राव को बीच में डालता था और वे भी दलगत राजनीति से ऊपर उठ करके केंद्र सरकार का राज्य से कैसा रवैया होना चाहिए उसकी उत्तम भूमिका अदा करते थे। एक कालखंड आया, पूरा एक दशक आया कि जहां अंडरवर्ल्ड ने एक प्रकार से मुंबई के जीवन को तहस नहस कर दिया था और एक अंधकार सा माहौल दिख रहा था कि अगर मुंबई अंडरवर्ल्ड के हाथ में चला गया तो क्या होगा। और मैं कहता हूं कि शरद राव की हिम्मत थी और उनका कौशल्य था कि उन्होंने मुंबई को अंडरवर्ल्ड से बचाया। राजनीति में गहराई सवालों के बीच आपके मन में यह सवाल भी होगा कि आखिर प्रधानमंत्री मोदी को जो अवार्ड मिल रहा है उसकी अहमियत क्या है। लोकमान्य तिलक अवार्ड पुणे के तिलक स्मारक मंदिर नाम की संस्था देती है। यह अवार्ड 1983 से लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की पुण्यतिथि 1 अगस्त को दिया जाता है। अब तक ये अवार्ड देश की 41 बड़ी हस्तियों को दिया जा चुका है। प्रधानमंत्री मोदी से पहले इस अवार्ड से इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, अटल बिहारी वाजपेयी को भी सम्मानित किया गया है। प्रधानमंत्री मोदी ने 7 साल पहले शरद पवार की राजनीति की समझ को लेकर एक बड़ी बात कही थी। प्रधानमंत्री ने कहा था कि किसान को मौसम का अंदाज जल्दी आ जाता है। शरद पवार ने अपने इस गुण का राजनीति में खूब इस्तेमाल किया है। प्रधानमंत्री ने एक और बात कही थी कि राजनीति की हवा किस ओर चलेगी अगर जानना है तो शरद पवार के पास बैठिए। प्रधानमंत्री की बातें वर्तमान में आ गई हैं। सवाल पूछा जा सकता है कि क्या पवार को मौसम का अंदाजा हो गया है, वो समझ गए हैं कि हवा किस ओर चलने वाली है, ये भी सवाल है।